हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। उच्च रक्तचाप होता क्या है? हमारा जो हार्ट होता है वो हमारी आर्टरीज में एक प्रेशर के साथ ब्लड को फ्लो करता है, और वो जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और ज़रूरी पोषक तत्वों को पूरे शरीर तक पहुँचाता है। जो ये हार्ट हमारा प्रेशर लगाता है, इसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है। अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई लगता है, जो आर्टरीज होती है उसकी वॉल पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगता है, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो 120 होता है, अगर वो 120 से 130 भी होता है तो भी वो नॉर्मल माना जाएगा, लेकिन अगर 130 से ज़्यादा होगा तो वो हाई ब्लड प्रेशर माना जाएगा। जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है जो 80 नॉर्मल होता है, लेकिन अगर वो 80 से 90 mmHg होता है तो भी वो नॉर्मल माना जाएगा, लेकिन अगर वो 90 से अबव जाता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण क्या होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा साल्ट अपनी डाइट में ले रहे हैं, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आप सेडेंट्री लाइफ जीते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, एक जगह पे बैठे रहने वाला आपका ज़्यादा काम है, तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। अगर आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मैदे से बना हुआ जो खाना होता है उसे इनटेक करते हैं, तो उस वजह से भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप एंजाइटी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उस वजह से भी आपका जो बीपी है वो बढ़ सकता है। कारण ऐसे होते हैं, अगर आप बहुत लंबे समय से कोई दवाई का सेवन कर रहे हैं या पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो उस वजह से भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़े ना और वो मेंटेन रहे। तो सबसे पहले अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें ऐड करिए। अपने आप को एक्टिव रखना स्टार्ट कीजिए। अपना जो स्ट्रेस है उसे कम करिए। अपनी बॉडी से जो आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव साल्ट लेते हैं उसे कम कर दीजिए। नमक का सेवन बहुत कम करिए, स्पाइसी फूड कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा नॉनवेज लेते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो उसे लिमिट में कम कर दीजिए। स्मोकिंग अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हो तो उसे भी आप कम कर दीजिए। इन सब की अगर आप इन सब पे अपना ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है तो होम्योपैथी में ऐसे कौन सी सबसे बेस्ट मेडिसिन है जिसे लेने से हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में राल्फिया सरपेंटाइना एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मदर टिंचर है। अगर आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू 20 ड्रॉप्स आधे कटोरे पानी में डालकर दिन में 3 बार लेते हैं तो धीरे धीरे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसे कंटिन्यू लेने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो इस मेडिसिन को ज़रूर ट्राई करिए। इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपकी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं छोड़ेगी। आप बेफिक्र इस मेडिसिन को ले सकते हो, राल्फिया सरपेंटाइना मदर टिंचर। अब हम बात करते हैं कि हमें ऐसे अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि हमें ब्लड प्रेशर ना हो। तो डाइट में सबसे पहले तो नॉनवेज जो होता है, स्पाइसी फूड होता है, आप अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। और अपनी डाइट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश ले सकते हो, फ़िश ब्लड प्रेशर के पेशेंट ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर इनटेक करिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और नमक का सेवन बहुत कम लिमिटेड कर दीजिए। अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। और मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो प्लीज़ अपना बीपी इग्नोर मत कीजिए, उसको ट्रीट करवाइए। आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए, अपने डॉक्टर से
जांच करवाइए, अपने बीपी के लिए एक अच्छी मेडिसिन लीजिए और अपनी डाइट्स में और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कुछ चेंजेस करिए और बीपी को इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अगर आप बीपी को इग्नोर करते हैं तो बीपी आगे चलकर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे आपको सामना करना पड़ सकता है, जैसे कंटिन्यूस अगर आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, कंटिन्यूस आपकी जो आर्टरीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगता रहेगा, तो क्या होगा कि जो वो आर्टरीज़ हैं उसकी वॉल रैप्चर हो जाएगी। अगर वॉल रैप्चर हो जाएगी तो हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ अगर ब्रेन में भी कंटिन्यूस हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस हैं, पेशेंट को पैरालिटिक अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, सिंकोप में पेशेंट जा सकता है, आपकी किडनी में इफ़ेक्ट आ सकता है, आपको और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो प्लीज़ अपने बीपी को इग्नोर मत कीजिए, एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपने बीपी का ट्रीटमेंट ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो ब्लड प्रेशर है उसे इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। थैंक यू।